हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये सेशन मेरा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एक्चुअली आईआईटी जेईई एडवांस मेंस या बिटसेट के थ्रू जिन कॉलेजेस में एडमिशन चाहते थे या जिस ब्रांच में एडमिशन चाहते थे वो उन्हें मिलना पॉसिबल नहीं है और अब वो थोड़ा कंफ्यूज हैं कि क्या हम जो भी ऑप्शन मिल रहा है हम उसको कंटिन्यू कर लें, हम उस ऑप्शन को ले लें या फिर मुझे ड्रॉप करके बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्राई करना चाहिए। क्या मुझे जो ऑप्शन मिल रहा है, जो ब्रांच मिल रही है, जो कॉलेज मिल रही है उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए या फिर एक और साल यूज में लेके मुझे एक साल और पढ़ाई करके बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्राई करना चाहिए। तो देखिए, आपको ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर दो लोग दे सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल वे में दो लोग दे सकते हैं। उनमें से एक है आप खुद। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कितने मेहनती हैं, आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप कितने सिंसियर हैं, कितने डिवोटेड हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, आप अपने आपके एस्पिरेशंस कितनी हाई है, आपने लास्ट टू इयर्स के स्पैन में कितनी अच्छी तरह से मेहनत करी है, आपका अपने सब्जेक्ट्स में कितना अच्छा इंटरेस्ट है, आप एग्जामिनेशन में कैसा फील करते हैं, एग्जाम अटेम्प्ट करते वक्त कैसा फील करते हैं, सबसे अच्छा आप ही अपने आप को जानते हैं। तो आप इस आंसर क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। और जो सेकेंड एंटिटी है वो है आपके टीचर्स। लास्ट टू इयर्स से आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हुए आए हैं, वो जानते हैं कि आप क्लास में कितना कॉन्सेंट्रेशन के साथ लेक्चर्स सुनते हैं, कितनी अच्छी तरह से डाउट्स पूछते हैं, एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, ये टीचर्स आपके बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इन दो लोगों को ही आप यूज में लें अपने इस क्वेरी का आंसर देने के लिए कि मुझे ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप रेट्रोस्पेक्ट में जाएं, आप पास्ट में जाएं और आप देखें कि 11th के बिगिनिंग में जब आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था तो किस ड्रीम के साथ आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, क्यों आपने साइंस मैथ्स ली थी, आपका इनिशियल स्टेजेस में ड्रीम क्या था, आप आईआईटी में जाना चाहते थे, आप बिट्स में जाना चाहते थे, आप एनआईटीज में जाना चाहते थे, क्या आपका ड्रीम था और शुरुआत के मंथ्स में आपको क्या डिफिकल्टीज आई। जो 10th से 11th तक का ट्रांजिशन था, 10th में मोस्टली लर्निंग बेस्ड हमारा सिलेबस रहता है, हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो लर्निंग बेस्ड रहता है और जैसे ही आप आईआईटी जेईई एडवांस की तैयारी करना स्टार्ट किए तो ऑल टुगेदर 180 डिग्री से इन्वर्ट हो गया। यहां सब कुछ एप्लीकेशन बेस्ड था, आपको लर्न करके आपका काम नहीं चलता था। तो डेफिनेटली 10th से 11th के ट्रांजिशन में मोस्टली स्टूडेंट्स को इनिशियल 5-6 मंथ्स में डिफिकल्टी रहती है, धीरे धीरे वो नए पैटर्न से अकस्टम्ड होते हैं। 10th में उतनी पढ़ाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप 1-2 घंटा पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, जबकि एडवांस की स्टडीज में आपको 6-7 आवर्स डेली कंसिस्टेंट सेल्फ स्टडी चाहिए होती है। 10th में आप यूज टू होते हैं कि आपके मैथ्स में फुल आउट आते हैं, 100 में 99, 98, साइंस में 98, 99, इस तरह के मार्क्स आते हैं, और जबकि जब आप आईआईटी जेईई एडवांस की तैयारी करते हैं, जब आप इंस्टीट्यूट के इंटरनल एग्जाम्स देते हैं तो आप 40%, 50%, 30% मार्क्स लाने में भी स्ट्रगल करते हैं। तो ओवरऑल जो 10th से 11th का ट्रांजिशन है उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को काफी टाइम लग जाता है अपने आप को अकस्टम करने में, अपने आप को यूज टू करने में, और तब तक सिलेबस काफी आगे जा चुका होता है और हम उस सिलेबस से अपने आप को सिंक करने की कोशिश करते हैं, उतने में हमारे बोर्ड एग्जाम्स का टाइम आ जाता है, जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट का टाइम आ जाता है, उसके इमीजिएट बाद जेईई मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट आ जाता है और फिर एडवांस का एग्जाम आता है। तो हमें संभलने का टाइम नहीं मिलता है, इवन दो हम मेहनत कर रहे हैं बट चीजें हॉच पॉच रहती हैं, थोड़ा उतनी अच्छी तरह से वेल मैनेज नहीं रहती है, सब जगह हमारे थोड़े थोड़े काम पेंडिंग रहते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं होता है। तो क्या आप भी इस फेज में रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप में पोटेंशियल था बट आप समहाउ वो इनिशियल फेज के ट्रांजिशन में अपने आप को उतना अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाए, या आपको ये तो था कि मुझे आईआईटी में जाना है या मुझे अच्छी कॉलेज में जाना है बट शुरुआत में आप टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को उतना अच्छी तरह से फॉलो नहीं किए, आप शुरुआत में अपने हिसाब से ही पढ़ते रहे और आपको लेट स्टेज पे रियलाइज हुआ कि नहीं मैं गलत कर रहा हूं, मुझे इस तरह से पढ़ना चाहिए, मुझे अपने टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। तो गाइस, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप में पोटेंशियल है, आपको सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, आपको जो पढ़ाया जाता था क्लास में वो आपको अच्छी तरह से समझ में आता था, आपसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है बट आप उतना कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाए या उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाए, एंड नाउ गिवन मोर टाइम, जब आप उसी सिलेबस को आज जो आपकी मैच्योरिटी है, जो आज आपका कॉन्फिडेंस है उससे आप पढ़ेंगे और आप बेटर वे में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आप अपने इस एक्सपीरियंस का जब दोबारा अटेम्प्ट देंगे तो उसमें फायदा उठा पाएंगे,
यदि आपको इस तरह की फीलिंग आती है तो आपको स्ट्रेट अवे ड्रॉप के लिए जाना चाहिए, स्ट्रेट अवे ड्रॉप के लिए जाना चाहिए। आपको सेकेंड थॉट नहीं देना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप बेटर कर सकते हैं, आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप बेटर कर सकते हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आपके एस्पिरेशंस हैं और आपको उनको अचीव करने के लिए स्ट्रगल करना चाहिए, तो स्ट्रेट अवे आपको ड्रॉप के ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। प्लस वो स्टूडेंट्स जो कि जेई मेन से मान लीजिए 30,000 के बियॉन्ड रैंक है या एडवांस में क्वालिफाई तो हो गए बट एडवांस के थ्रू उनको कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप ये सोचिए कि आपके पास खोने के लिए क्या है, आपके पास लूज करने के लिए क्या है। आज जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो तो आपके पास एक साल बाद भी अवेलेबल होंगे। डेफिनेटली जो आप सेम सिलेबस में बेटर कॉन्फिडेंस से मेहनत करेंगे, फिर से एग्जाम की तैयारी करेंगे, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर से उन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, तो आप अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, आपकी मैच्योरिटी बेटर होगी, आप एग्जामिनेशन पैटर्न से बेटर फेमिलियर होंगे, तो आप एच पर होंगे और आपके अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस ज्यादा हैं, अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप उस पर्सपेक्टिव से देखिए कि हम शॉर्ट टर्म में क्यों कॉम्प्रोमाइज करें। यदि मुझे एक साल और इन्वेस्ट करने पर अच्छे ऑप्शंस मिलने के चांसेस हैं और मैं ऐसा कर सकता हूं, मेरे में पढ़ने की कैपेबिलिटी है, मेरे में पोटेंशियल है, मुझे चीजें समझ में आती है, तो फिर मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से ट्राई करना चाहिए। कुछ जनरल स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की क्वेरीज रहती है कि क्या हम सेम सिलेबस में बोर हो जाएंगे, तो लेट मी अश्योर यू यदि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो IIT JEE एडवांस के सिलेबस में इतनी डेप्थ है, क्वेश्चंस में इतनी डेप्थ है कि आप एक बार क्या दो बार अटेम्प्ट दें तो भी आप बोर नहीं हो सकते। सिलेबस इतना बड़ा है और इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और इतने वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स के साथ आप डील करते हैं कि आपको कभी बोर्डम नाम की चीज तो फील ही नहीं होती है, और ना आप इतनी डेप्थ डेवलप किए हुए हैं कि आपको लगेगा कि मेरे लिए तो कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। आप डेफिनेटली जब टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो आप बेटर इनसाइट डेवलप करेंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, क्वेश्चंस को आप बेटर मैच्योरिटी के साथ आप सॉल्व करेंगे, आपको खुद को पढ़ने में मजा आएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा। हाँ, शुरुआत में मान लीजिए 5-7 days ऐसा टाइम रहता है जबकि हमें फीलिंग रहती है कि यार मैं ड्रॉप कर रहा हूं, बट एक बार जब आपके फ्रेंड सर्किल जो है वो आपके अलग अलग कॉलेज में एडजस्ट हो गए, जिनको ड्रॉप करना है उन्होंने ड्रॉप स्टार्ट कर दिया, शायद हार्डली कभी फीलिंग रहती है कि मैं ड्रॉप कर रहा हूं। आप यूजुअली में पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देते हैं, आपके टेस्ट रूटीन में होते रहते हैं और आप अच्छे तरह से पढ़ाई करते हैं। मतलब मुझे कभी ड्रॉपर बैच में कभी इस तरह का दिक्कत नहीं आया कि बच्चे ये फील कर रहे हो कि हम बोर हो रहे हैं या बच्चों के पास करने के लिए कुछ नहीं है या बच्चे ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जो भी फोकस्ड स्टूडेंट्स हैं जिनको मालूम है कि हमें इम्प्रूव करना है और मैं कर सकता हूं, अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं। लास्ट ऑलमोस्ट 20 years में हर साल जो भी हमारे पढ़ाए हुए 12th class के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें जो हम स्टूडेंट्स को काउंसिल करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को हम क्लियर कट बोलते हैं कि नहीं, आपको जो भी कॉलेज मिल रही है उसमें जाना है। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी से हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं, हम जानते हैं कि ड्रॉप करने से भी इनको बेनिफिट नहीं होगा, आप स्ट्रेट अवे कॉलेज ज्वाइन करिए और वहां जाके आप अपने आप को ग्रूम करिए, वहां जाके इंप्रूव करिए। और काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हुए आए, हमें मालूम है कि इवन दो इनमें उतना सिंसियरिटी लेवल नहीं था बट इनमें पोटेंशियल है, ये अच्छा कर सकते हैं। हमारी जो क्लास में जो हमारा क्लास में 1-to-1 इंटरेक्शन रहता है, जिस तरह के बच्चे डाउट्स रेज करते हैं, जिस तरह से ऑफ द क्लास डाउट्स पूछते हैं, उससे हमें रियलाइजेशन हो जाता है कि हाँ, इन स्टूडेंट्स में पोटेंशियल है एकेडमिकली, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, और ये एक बार और चांस दिया जाए तो अच्छा कर सकते हैं। तो उनके पेरेंट्स को, उन स्टूडेंट्स को हम बहुत स्ट्रांगली कन्वे करते हैं, बहुत स्ट्रांगली कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि यू शुड ड्रॉप, आपको एक चांस और लेना चाहिए। और मैं एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि हर साल इस तरह के बच्चों को जब हम एडवाइस करते हैं और हमारी एडवाइस फॉलो करते हैं, दे आर रियली थैंकफुल टू अस, दे हैव बीन रियली थैंकफुल टू अस कि सर आपने हमें सजेस्ट किया, हमारा कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट किया और हमने ड्रॉप किया और आज हम अच्छी कॉलेज से पास आउट है, आज हमारे पास अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। तो आप ये मत सोचिए कि हमारा एक साल हम वेस्ट कर रहे हैं, आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप बेटर करियर के लिए एक साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी क्वेरीज रहती है कि सर हम ड्रॉप करेंगे तो अनसर्टेनिटी रहेगी। तो अनसर्टेनिटी क्यों रहेगी, आप मुझे बताइए, सिलेबस तो वही है, क्वेश्चंस उसी सिलेबस में से आएंगे, प्लस 3 ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स हैं, जेई एडवांस है, बिट्स ऑनलाइन बिटसेट है, जेई मेन्स है। जब आप पूरे सिलेबस में अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तो आप तीनों में से एटलीस्ट 2 एग्जाम्स में तो अच्छा परफॉर्म करेंगे ना। ऐसा क्यों होगा कि आप किसी भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे? मतलब मेरा इस तरह का एक्सपीरियंस थ्रू आउट रहा है, जिन बच्चों ने पढ़ाई करी अच्छी तरह से, जिन स्टूडेंट्स ने पूरा मेहनत की है, उन्होंने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म किया एंड फाइनली दे लैंडेड विद अ गुड ऑप्शन। फिर कुछ स्टूडेंट्स का इस तरह से कंसर्न रहता है कि सर क्या आगे की जॉब अपॉर्चुनिटीज में या कॉलेज में जाके किस तरह का डिफरेंशिएशन होगा?
तो कॉलेज में तो मतलब बच्चे काफी सारे ड्रॉपर बच्चे होते हैं, काफी सारे फ्रेशर बच्चे होते हैं, हार्डली एक दूसरे में रियलाइजेशन होता है कि ये ड्रॉप करके आया, ये फ्रेश करके आया, ये फ्रेशर है और ये ड्रॉप करके आया, या कहीं टीचर्स को प्रोफेसर्स को कोई डिफ्रेंसिएशन होता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप जॉब्स के जब इंटरव्यूज देते हैं या आप हायर स्टडीज के लिए इंटरव्यू देते हैं या कैट के लिए इंटरव्यू देते हैं, यूपीएससी के लिए इंटरव्यू देते हैं, आज आपकी प्रेजेंट स्टेट उस समय क्या है, आप कौन सी कॉलेज से हैं, आप कौन सी ब्रांच से हैं, आपकी ब्रांच में परफॉर्मेंस क्या है, आपने किन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, अपनी पर्सनालिटी को कैसे ग्रूम किया है, वो चीजें मैटर करती है। हार्डली ये पॉइंट मैटर करता है कि भाई आप ड्रॉप करके आए या फिर फ्रेश आए हैं। तो ये जो जनरल क्वेरीज हैं इनको मैंने, इनके बारे में मैंने आपको बताया। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आराम से 2 दिन का टाइम लीजिए और 2 दिन के टाइम में अच्छी तरह से इंट्रोस्पेक्ट करिए कि जो आज मुझे ऑप्शन अवेलेबल है, क्या मुझे इससे बेटर ऑप्शन के लिए ट्राई करना चाहिए, क्या मुझे, मैं बेटर डिजर्व करता हूं, क्या मेरे अंदर पोटेंशियल है, क्या मैंने 2 साल में अपना पूरा दे चुका हूं, क्या मैं पूरा इनपुट दे चुका हूं, क्या या मैं उससे और बेटर परफॉर्म कर सकता हूं। प्लस सेकेंड पॉइंट, आप अपने टीचर्स से जाके मिलिए। मैं हमेशा बोलता रहता हूं, टीचर्स आपके अंदर बहुत अच्छे पेन से आपको पढ़ाते हैं, आप में इंटरेस्ट लेते हैं, आपको सबसे अच्छी तरह से वो समझते हैं अकेडमिकली। तो आप अपने टीचर्स से जाके मिलिए, उनसे डिस्कशन करिए। ये इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसको आप स्टैंड अलोन अपने घर पे नहीं लीजिए, आपने टीचर्स से जाके डिस्कशन करिए, उन्हें अपने बातें बताइए कि मैं इस तरह से सोचता हूं, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और आपके टीचर्स यदि आपको आउटराइटली कह देते हैं कि आपको नहीं करना है, तो कंफ्यूजन ही खत्म। और आपके टीचर्स आपको बोलते हैं कि नहीं आपको ड्रॉप करना चाहिए, तो ऐसे में भी कंफ्यूजन खत्म। तो गाइस, बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के डिसीजन लीजिए, क्योंकि इससे आपके आगे की करियर की ट्रेजेक्ट्री जो है वो शेप होने में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू।